अगली खबर है डिंडौरी से। डिंडौरी जिले में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। उक्त चोरियों का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया था। थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश दाहिया द्वारा टीम गठित कर मुखबिर सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम पडरिया कला के ब्यास नारायण दुबे, पिता नर्मदा प्रसाद दुबे, उम्र 23 साल, निवासी पडरिया को अभिरक्षा में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर 3 तारीख को रात में सब्बल से उमरिया नाका के पास 3 से 4 दुकानों का ताला तोड़कर दुकान के अंदर से नगदी पैसा व सामान चोरी करने की वारदात कबूली गई है। पूछताछ के बाद आरोपी के घर में रखी पेटी के अंदर से कुछ जेवरात और घर के अंदर जमीन में खोदकर कुछ बरामद भी किया गया है। साथ ही वर्ष 2022 जनवरी महीने में मंगल भवन शहपुरा के पास बर्तन के ठेले से ताला तोड़कर पीतल कांसे के बर्तन चोरी करना भी स्वीकार किया है आरोपी ने। इसके साथ ही आरोपी से अन्य कई चोरियों का भी माल बरामद किया गया है। कुल 25,284 रुपए नगदी व सोने चांदी के जेवर, बर्तन, साड़ियां और कुछ अन्य कपड़े भी बरामद किए गए हैं। उसे सामान बरामद भी हुआ है, क्या मामला था पूरा? अभी हाल ही में जो है 8 तारीख की रात्रि में जो है उमरिया नाका के पास जो है करीब 4 दुकानों की शटरें भी तोड़ दी गई थी, जिस पर जैसे ही व्यापारियों से जानकारी आई तो उस पर पंजीबद्ध किया गया, आरोपियों की तलाश में लगा गया। श्रीमान पुलिस एसओ महोदय के निर्देशन पर जो है और SDOP साहब के मार्गदर्शन में लगातार टीम का गठन किया गया, लगातार आरोपी पतारसी करते कल जो है हमने जो है आरोपी को धरता पहुँचा है, जिससे शटर दुकानों से जो चोरियाँ गए था वो भी बरामद किया है सामान उनका। इसके अलावा और जनवरी में भी जो उसने चोरियाँ की थी तो वो भी हमने बरामद की है। इसके अलावा अन्य चोरी की जो मशरूकाएँ हैं वो भी हमने उसको बरामद किया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। करीब जो है जिसमें सोने चांदी के जेवरात हैं, सिलाई मशीन है, लैपटॉप है HP का, कांसे के बर्तन हैं, कपड़े हैं, ऐसे गृहस्थी का सामान है उसमें जो करीब जो है 1.5 लाख करीब के आसपास की कीमत है, और उससे नगद पैसे 25,000 कुछ जो है उससे नकदी पैसे भी जो है बरामद हुए हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। मामले प्रकरणों में उसकी गिरफ्तारी की गई है, इसको आज जो है माननीय अलग से पेश किया जा रहा है।